सूरजपुर जिले में ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ लापरवाही की कई तस्वीरें सामने आते ही रहते हैं, लेकिन रविंद्रनगर गांव में प्रशासनिक लापरवाही की हद तब हो गई जब एक निजी डामर प्लांट गांव के रिहायशी इलाके में खोल दिया गया और ग्रामीण पिछले 3 माह से प्लांट से निकलने वाले गैस के बदबू से शारीरिक परेशानी से जूझ रहे हैं और प्रशासन को भनक भी नहीं है। सूरजपुर के NH 43 मार्ग के किनारे स्थित रविंद्रनगर गांव की यह तस्वीर है। जहां तस्वीर में दिख रहा यह प्लांट क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन प्लांट में लगे सामानों से साफ जाहिर है कि यह डामर से संबंधित प्लांट है और जिन केमिकलों से यहां डामर के लिए मटेरियल तैयार किया जा रहा है उसके दुर्गंध बेहद ही खतरनाक है। जहां पिछले 3 माह पहले बड़े बड़े 4 दीवारों के बीच यह प्लांट बड़े ही गोपनीय तरीके से खोला गया, जहां ग्राम पंचायत से भी किसी प्रकार का कोई अनुमति नहीं लिया गया और नतीजा यह रहा कि प्लांट से निकलने वाले बदबू ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। हद तो तब हो गया जब ग्रामीणों को सर दर्द चक्कर जैसे बीमारी शुरू हुई। तब बड़ी मुश्किल से प्लांट के अंदर ग्रामीणों ने जाकर देखा कि बड़े बड़े टैंकर और मोटर पंप से कुछ और ही खेल चल रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू किया और अब ग्रामीण इस प्लांट को बंद कराने के लिए आंदोलन का रुख करने की तैयारी में है। ऐसे प्लांट के सुपरवाइजर ने तो अपने मालिक का नाम नहीं बताया, लेकिन ग्रामीणों का विरोध देख उसके भी होश उड़ गए। कारण इसका जो महक है, इसमें जो केमिकल निकलता है वो असहनीय है। रात को ना ठीक से सो पाएगा आदमी, ना खाना खा पाएगा, परेशान हूँ। जब से लगा है तब से मेरा बदहजमी हो रहा है। इसके गैस में मतलब ना खाना ठीक से भूख लगता है, ना खा पाता हूँ। डॉक्टर भी दिखाया हूँ बीच में, वो कागज़ भी है, मैं दिखा दूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ही परेशान है। यहाँ का पब्लिक अगल बगल जितना है 1-2 किलोमीटर पूरा परेशान है। हाँ, ग्रामीणों की तो शिकायत है काफ़ी दिन से इस विषय के मामले में, मतलब कि डामर प्लांट के बारे में। कुछ ग्रामीण भी आए थे शिकायत लेके और हम लोग को इस मामले में बात भी किए हैं। नहीं, पहले तो पता नहीं है, मतलब कि ग्रामीणों के शिकायत के बाद ही पता चला है। ऐसा कुछ उसके जो संचालक है वो कभी अनुमति नहीं, कभी अनुमति वगैरह तो नहीं लिए हैं। ऐसा कुछ कागज आया भी नहीं हम लोग के पास साइन वगैरह के लिए। जैसे 2 बार शिकायत किए थे इस पे, मैं वो किया था जो माल बदबू दे रहा था उसको ऑलरेडी बंद कर दिया। जो माल से शिकायत था उसको बंद कर दिया, नहीं आता है माल। लेकिन तब पर भी हाँ, ये लोग को लग रहा है शिकायत है लोग का, तो बंद कर दूंगा फिर। हाँ, सब लाइसेंस है इसका, GST नंबर सब है। ऐसा तो नहीं पता, अब भैया से वो चीज़ को करना पड़ेगा। पहले ये माखन बिहार में था, बसंत बिहार माखन। रविंद्रनगर गांव में चोरी छुपे खुले इस डामर प्लांट में हद तो तब हो गई जब पता चला कि पिछले 3 माह से चोरी के विद्युत से बड़े बड़े मोटर और उपकरण चलाए जा रहे हैं। ऐसे में विद्युत विभाग की मिलीभगत की भी पोल खुल गई और ग्रामीणों के विरोध पर तत्काल लाइनमैन और 2 कर्मचारी मौके पर पहुंच ग्रामीणों को संतुष्ट कराने के लिए विद्युत कनेक्शन काट मोटर पंप को जब्त करने की कार्रवाई करने लगे। लेकिन विद्युत विभाग की मिलीभगत उजागर होते नजर आने लगी है। वहीं दूसरी ओर जिले के अपर कलेक्टर SN मोटवानी ने मामले की जानकारी मीडिया से मिलने की बात करते हुए जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। यहाँ पहले राइस मिल लगा हुआ था और उसका बकाया राशि भी था, और यहाँ पर 1-2 बार तक हम लोग आए, काट काट करके तार भी ले गए। उनको हिदायत दिए कि कनेक्शन ले लीजिए, पर इनके द्वारा कनेक्शन नहीं लिया गया। कहे हाँ ले लेंगे, फिर लेते रह गए। फिर भैया अवैध करके कैसे कैसे चला रहे हैं, ये गलत। हम लोग को ओपन हो ही नहीं पाया। हम तो कनेक्शन देखे थे, पंप चला रहे थे, तो हम कहे कि हम ऐसे नहीं चलेगा यार, काट पीट के फेंक दिए। हमको क्या पता कि इतना साला लेकर के सब कर रहे हैं लंदपन। देखिए, आपने जो जानकारी दी है इसकी हम अभी जांच करवा लेते हैं। जहां तक तो इसमें नियम की बात है तो डामर प्लांट के लिए उन्हें पर्यावरण विभाग से NOC लेनी होती है और SDM लेवल पर इस पर कार्रवाई होती है और दंड प्रक्रिया संहिता धारा 133 में लोक प्रदूषण के तहत जो है दर्ज कर कार्रवाई की जाती है, जिसकी हम कार्रवाई फिर कराएंगे और इसकी हम जांच करवा लेते हैं। अगर इसकी कोई बात होगी तो तत्काल कार्रवाई होगी। बहरहाल शहरी क्षेत्र छोड़कर बड़े बड़े रसूखदार गांवों से अवैध कारोबार और धंधों को अधिकारियों की मिलीभगत से संचालन करने का बेहतर तरीका मानते हैं, लेकिन रविंद्रनगर के ग्रामीणों के आक्रोश के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की जाँच
कार्रवाई के दावे इस प्लांट में कब तक हकीकत में तब्दील होता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।